हेलो एवरीवन, इट्स मी कुमार सोनल। और आपको ये लग रहा होगा कि अब मैंने फिर से इस माइक को ऐसे क्यों पकड़ रखा है। एक्चुअली ना, मुझे एक चीज़ पता लगा कि ये जो माइक है ना, ये अलग-अलग फोन्स के साथ अलग-अलग तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इस माइक को छोड़ के हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो आज का टॉपिक ना मैंने सेलेक्ट किया है, ये जो रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इस पे मैंने एक और भी वीडियो बनाया हुआ है जो मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा कार्ड्स में। और इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये जो है वर्ल्ड वॉर टू से कुछ इसका कनेक्शन है। वैसे मैंने पिछले बार भी ये चीज़ बताया था थोड़ा बहुत। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर टू ना शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को और ख़त्म हुआ 2 सितंबर 1945। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सारे जो कंट्रीज थे ना, सारे थक चुके थे इन वॉर्स से। ठीक है, क्योंकि वो लोग एक और वॉर भी झेले थे, वर्ल्ड वॉर वन, और इसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर टू। इसके बाद वो नहीं चाहते थे कि आगे कुछ वॉर हो या फिर ऐसा कुछ हो, वो बस अब थोड़ा शांति चाहते थे। लेकिन उस वक्त पे सोवियत यूनियन और यूएसए, ये दोनों टॉप पे थे। एक तरीके से दोनों पूरे वर्ल्ड को रूल करना चाहते थे। ये हो भी जाता एक हद तक, लेकिन हुआ क्या ना कि दोनों का आइडियोलॉजी अलग था। द यूएसए वॉज बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म वाइल द सोवियत यूनियन फॉलोड द कम्युनिज्म। तो अब हुआ क्या कि कम्युनिज्म ये कहता है कि सारे लोग जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है, सारे एक जैसा खाएंगे, एक जैसा पहनेंगे और एक ही जैसा लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट रहेगा। नो डाउट लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत फर्क तो आता ही है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहेगा। ये जो ट्रेंच है ये बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा रिच और पुअर में। ठीक है, इसीलिए कम्युनिज्म का क्या मानना है कि अमीरों से छीनो, गरीबों को दो। बट इसमें आप देखो, एक्चुअली में वो जो पुअर है वो तो हमेशा के लिए रह जाएगा वैसा ही। इसीलिए एक सेइंग है, पुअर इज पुअर बिकॉज ही इज पुअर। इसका मतलब क्या है ना कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है, मतलब उसकी सोच गरीब है, इसलिए वो उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो वैसा है। वैसे एक चीज़ बताऊं कि पर्सनली मेरा ये मानना है कि पैसों से कोई रिच नहीं होता यार। रिच होता है लोग यहाँ से, है ना, अपने बुद्धि से। पैसों से अगर रिच हुआ जाता तो फिर तो, क्योंकि ये जो है ये हमें रेस्पेक्ट के साथ जीना सिखाता है ना, और ये है एक्चुअली में रिचनेस। तो अब आप एक चीज़ समझो कि कम्युनिज्म का ये मानना था। ठीक है, इसीलिए ना जब इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो उस टाइम पे उन्होंने ऑलमोस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ही लागू किया हुआ था। इसके लिए उस टाइम पे 1 करोड़ पे टैक्स ऑलमोस्ट 90 लाख के आसपास था। मैं एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन इसी तरीके का कुछ मामला था, 90 या 93 लाख शायद। तो अब आप एक चीज़ समझो, जो आदमी 1 करोड़ रुपए कमा रहा है वो 93 लाख अगर दे दे तो फिर उसके पास रहेगा क्या, और वो उसके लिए फिर इतना अर्न क्यों करेगा, है ना। ये एक्चुअली में देखा जाए तो आज के एंटरप्रेन्योरशिप के बिल्कुल ही खिलाफ था। ठीक है, जैसे अभी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन खैर इसमें भी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना अभी थोड़ा सा बाकी है, लेकिन बहुत हद तक हो गया है। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स, वो स्किल इंडिया, हाँ मेक इन इंडिया, ये सारे चीज़ इसी रास्ते को एनलाइटन करते हैं। ठीक है, ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के। और यूएसए दूसरी तरफ, इनका ये मानना था, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट स्टेट्स थे, तो इनका ये मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करो और गवर्नमेंट को बस उसका टैक्स दे दो, इलीगल काम मत करो, लीगली ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करो, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देखने वाली है। ठीक है, इसे कहते हैं नॉन डूअर स्टेट। नॉन डूअर स्टेट का मतलब कि स्टेट इज ओनली टू फैसिलिटेट यू। ये ठीक आप ऐसा समझो ना कि कैसे आपको समझाऊं कि हाँ, मतलब अमेरिका का जो स्टेट है ना वो इस चीज को मानता है कि आपको गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। मतलब वहां पे ये नहीं होता जैसे वो जो यहाँ पे जैसे कई सारी योजनाएं हैं ना, जैसे वो आवास योजना और ये वो, वहाँ ये सब कुछ नहीं है। आप अपना अर्न करो और आवास बनाओ, गवर्नमेंट आपको नहीं रोकेगी बिल्कुल ही। अच्छा, अब आप एक चीज़ सोचो, ये पर्सनली तो किसी के लिए कैपिटलिज्म सही होगा, किसी के लिए कम्युनिज्म सही होगा, लेकिन आज के टाइम पे इस एलपीजी के एरा में कैपिटलिज्म ही सही है।
हमें कोविड ने ये चीज़ सिखाया है कि इंटरप्रेन्योरशिप ही बचा सकता है हमें, और यूएसए इसीलिए वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 ये सारा झेलते हुए भी बचा रहा। इनफैक्ट उसके खुद के लैंड पे तो वॉर हुआ भी नहीं, क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप बहुत पहले से था। अब आते हैं इंडिया के प्रस्पेक्टिव में। तो इंडिया में हुआ क्या ना कि ब्रिटिश ने इंडिया के लोगों को इस्तेमाल किया था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, और उन्होंने उस टाइम पे डोमिनियन स्टेटस देने का प्रॉमिस किया था, जो कि उन्होंने तोड़ दिया एज यूजुअल। तो अब हुआ क्या कि इंडिया में वो दंगे फसाद और ये वो शुरू हो गए। इस बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन सब ने जो कम्युनल माइंडसेट को ना और ज़्यादा बढ़ावा दिया। जैसे मुस्लिमों के लिए अलग इलेक्टोरेट, सिख्स के लिए अलग इलेक्टोरेट, हिंदूज के लिए अलग से इलेक्टोरेट, ये सब चीज़ पार्टीशन की ओर लेके जा रहे थे धीरे धीरे। और ब्रिटिश का माइंडसेट ये था कि हम लोग छोड़ के जाएंगे, बट तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं मतलब उस तरीके से नहीं छोड़ेंगे, मतलब तुम्हारी, खैर ये बोलना अभी देशद्रोह होगा जो मैं अभी बोलने वाला था, ये बोलना भी नहीं चाहिए नेशन में रहते हुए। उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो ये चाह रहे थे कि इंडिया को डिवाइड किया जाए, ठीक है, दो हिस्सों में, जो आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश है ना, ये सारा चीज़ पहले इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया का। अब इसके बाद हुआ क्या कि ब्रिटिश ने बोला कि जब तक सारा चीज़ सेटल नहीं हो जाता तब तक हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। ढीठ थे ना एक्चुअली। तो हुआ क्या कि फाइनली इंडियंस ने ये डिसाइड किया कि अगर पार्टीशन के लिए हम लोग हामी नहीं भरते हैं तो फिर होगा क्या, पूरा देश में दंगा फसाद हो जाएगा, जो हुआ भी बंगाल में, फिर यूपी साइड और भी कई जगहों पे बहुत दंगे फसाद हुए। जिन्ना जी का करम था ये सारा जो झेलना पड़ा सभी को। तो महात्मा गांधी ने पहले तो ये चीज़ कहा था कि नहीं, पार्टीशन के वो खिलाफ थे एक्चुअली, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि नहीं, ये मामला बहुत ही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो अब किस चीज़ को मानते थे, नॉन वायलेंस है ना, और दंगा फसाद ये तो शुद्ध वायलेंस था, तो ये इस चीज़ के खिलाफ थे। तो इन्होंने कहा कि अगर आज़ादी की खुशी मनाने वाला ही कोई नहीं रहेगा तो फिर फायदा क्या उस आज़ादी का, इससे बेटर है कि ये डिवाइड करना ही होगा, वरना और कोई चारा नहीं था। जिन्ना बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, यही तो, क्योंकि वो चाहते थे। तो 14 अगस्त को दो डोमिनियन जो है वो एग्जिस्ट किया, एक था डोमिनियन ऑफ इंडिया और एक था डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। और ठीक 1 मिनट के बाद, मतलब वो 12 o'clock पार हो गया, ठीक है, तो 15 अगस्त हो गया, इस टाइम पे इंडिया फ्री हुआ। और जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे आपको पता ही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ओथ लिया, और साथ में उनका वो जो स्पीच था वो कमाल का था, ठीक है, बिल्कुल यादगार स्पीच था। और उसमें का एक पार्ट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पूरा प्लेज आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा, आई मीन नेट पे अवेलेबल है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिड नाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लिप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, ये एक हिस्सा है बस उनके पूरे स्पीच का जो मैंने आपको बताया। और इसके बाद से ना इंडिया जो है वो फ्री हो गया, क्योंकि ये जो फ्रीडम हमें मिला था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत, और जिसके तहत हमारे पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया कि आप चाहें तो डोमिनियन स्टेटस के ही साथ रह सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ब्रिटिश के तो सारे जो भी प्रोविजंस अब तक के थे, जो भी एक्ट्स थे, ये सारे को आप नल एंड वॉइड कर सकते हो, और ब्रिटेन का अब कोई भी हाथ नहीं रहेगा इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पे। और साथ ही ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, इसको भी नल एंड वॉइड करने का प्रावधान दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके तहत इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलता, जबकि पाकिस्तान बहुत वक्त तक डोमिनियन स्टेटस में ही रहा वो, ठीक है। खैर दूसरे कंट्री की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, यहाँ हम अपने कंट्री की बात करते हैं। पाकिस्तान का जिक्र इसलिए मैंने किया ना, क्योंकि उसके बाद से ही वॉर जरूर शुरू हो गया पाकिस्तान के साथ, वो जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे के साथ ही ये जो वॉर है ये शुरू हो गया। आपको बताता हूँ मैं डेट वाइज। तो पाकिस्तान के साथ जो पहला वॉर हुआ ना, वो हुआ अक्टूबर 22, 1947 को। पाकिस्तान का एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन गुलमर्ग, जो कि शुद्ध रूप से कश्मीर को हथियाने के लिए था,
और ये ऑपरेशन लश्कर के लोग कर रहे थे जो कि पठान ट्राइब्समैन हैं, ठीक है। इसी में उन्होंने मुजफ्फराबाद को हथिया लिया, ठीक है। अच्छा, उस वक्त के हिसाब से मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान जो मैं बोल रहा हूँ ये उस वक्त का वेस्ट पाकिस्तान था, क्योंकि आज का जो बांग्लादेश है वो उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि बाद में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में भी भारत की बहुत अहम भूमिका रही। शायद इसीलिए पाकिस्तान जो है दुश्मन मान बैठा है हमें और भी ज़्यादा। खैर, इस बात पे अभी बात नहीं करेंगे, वापस आते हैं इस पे। हाँ, तो 22 अक्टूबर 1947 को हुआ था फर्स्ट वॉर पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि कश्मीर को हथिया लें। और भाई, हम लोग कैसे करके ये मान सकते थे, क्योंकि पहले ही इंडिया का डिवीज़न से ही पाकिस्तान बना था। अब और ज़्यादा डिवीज़न किस लिए, है ना। एक तो पहली बात, डिवीज़न होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। इसीलिए ही हमारे प्रियम्बल में ये चीज़ है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलरिज्म का मतलब ही ये है कि इसका अपना कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का है। इस्लाम उनका स्टेट रिलीजन है, वो एक इस्लामिक स्टेट है इसीलिए, ठीक है। इस्लामिक कंट्री है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट अभी बोलूंगा तो और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना ऐसा नाम रखा हुआ है, तो इसलिए ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनका अपना खुद का स्टेट रिलीजन है, बट इंडिया सेक्युलर स्टेट है। इसीलिए तो यहाँ पे इतने सारे रिलीजन हैं और सारे अपने फुल स्विंग में हैं। मतलब हाँ, कुछ नीच लोगों के वजह से दंगा फसाद कभी कभी हो जाता है, लेकिन फिर भी सारे लोग आपस में बड़े आराम से रहते हैं। जैसे ईद के टाइम पे सेवई खाना, या फिर आप देखते होंगे सलमान खान को, वो गणपति विसर्जन और ये सब में पूरा धूमधाम से मनाते हैं, वो नाचते गाते हैं, ठीक है। यही है एक्चुअल में इंडिया का कल्चर, ठीक है। यहाँ पे सारे लोग सारे रिलीजन को सम्मान देते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, खैर, अभी हम लोग आते हैं इस चीज़ पे। तो उस वक्त पे हुआ क्या ना, कि जैसे ही कश्मीर पे उन्होंने अटैक किया, उस वक्त कश्मीर के राजा थे हरी सिंह। हरी सिंह जो थे ना, वो जम्मू एंड कश्मीर को इंडिपेंडेंट ही रखना चाहते थे, ठीक है। ना तो वो इंडिया के साथ मिलना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के साथ। एक्चुअली वो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का एक्ट था ना, इसमें ये चीज़ था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो चाहें तो अपना मतलब वो चाहें तो इंडिपेंडेंट ही रह सकते हैं, या फिर दोनों में से कोई भी एक डोमिनियन को चुन सकते हैं। इसका मतलब इंडिया या पाकिस्तान, दोनों में से किसी को भी, ठीक है। ये उन पे था, ये चीज़ ब्रिटिश ने किया हुआ था। तो हमारे जो होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो लगे हुए थे सारे को मतलब इंडिया में मिलाने के लिए, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे एक दूसरे वीडियो में। यहाँ पे एक और आप बात समझो कि अब हरी सिंह के पास कोई और चारा नहीं था, या तो उन्हें इंडिया के साथ मिलना था और वरना पाकिस्तान हथिया लेता, क्योंकि जितना भी करने से पाकिस्तान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से बड़ा है, ठीक है, और उनके पास हथियार भी थे अच्छे खासे। तो उस टाइम पे उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगा। अच्छा, पहले ही से ही वो नेगोशिएशन दोनों कंट्रीज के साथ कर रहे थे, मिलना किसी से नहीं चाहते थे हरी सिंह जो थे। तो अब इंडिया ने उनको सिर्फ ये बात कहा कि देखिए, हम आपका हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किस बेसिस पे हेल्प करेंगे। तो उस टाइम पे हरी सिंह को ये चीज़ बोला गया कि आपका जो स्टेट है इसको सिक्योर रखा जाएगा, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो साइन करना पड़ेगा। हरी सिंह मान गए उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने अपना ये शर्त रखा कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और वो लोग सिर्फ तीन चीज़ सरेंडर करेंगे, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और एक तीसरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक्चुअली ये और भी स्टेट्स के साथ था, लेकिन बाकी ने सब कुछ सरेंडर किया हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर ने लास्ट तक नहीं किया था। ये 2019 में जाके आर्टिकल 370 हटा है, तो जाके जम्मू एंड कश्मीर भी अब नॉर्मल यूनियन यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि इसे अगर स्टेट बना दिया जाता तो एकदम तबाही मच जाता। तो इस इंस्ट्रूमेंट के साइन करते ही अब इंडिया को ये बहाना मिल गया। क्यों? क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर जो था वो इंडिया का अभिन्न अंग हो चुका था। हो चुका था कि अभी भी है, मतलब मैं ये उस वक्त के हिसाब से आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो अब इंडियन आर्मी घुसी, और इंडियन आर्मी घुसी मतलब तो सफाया होना ही था।
तो फिर उनका सफाया हो गया। ठीक है, ये हुआ शुरुआत वॉर का, इंडिया और पाकिस्तान का। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उस वक्त अगर आपको लिटरेसी रेट बताऊँ ना, आप दंग रह जाओगे बिल्कुल से। 12% था हमारा लिटरेसी रेट। लिटरेसी का मतलब सिर्फ इतना कि जिन्हें पढ़ना लिखना आता है, वो सिर्फ 12% थे वो लोग। 30 जनवरी 1948 को एक दुखद घटना होती है। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी का असैसिनेशन कर दिया होता है इस टाइम पे। लेकिन इस वक्त भी उस परम आत्मा के मुंह से ये निकला, हे राम। उनके मौत के वक्त बहुतों ने सुसाइड कर लिया, इतना प्यार करते थे लोग महात्मा गांधी को। पंडित नेहरू के भी मरने पे ये चीज़ हुआ था, क्योंकि उनको तो सब चाचा नेहरू से जानते थे, है ना। फाइनली 1 जनवरी 1949 को पाकिस्तान के साथ ये जो वॉर है ये एंड होता है। इतना टाइम तक हाँ लंबा चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ छिटपुट वो लोग करते रहते हैं, तो यहाँ से भी रिटेलिएशन होता है इस तरीके से। लेकिन इंडिया का पॉलिसी हमेशा से था कि वो पहले किसी पे वॉर नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने किया तो छोड़ेगा नहीं। और ये चीज़ अभी 2014 के बाद से और भी ज़्यादा देखने को मिल गया है ना, वो सर्जिकल स्ट्राइक्स और ये वो देख के। इससे पहले तो बस ये चीज़ कहा जाता था कि भाई लगो मत वरना हम दिखा देंगे, लेकिन दिखाया नहीं जाता था, रीजंस थे बहुत सारे। लेकिन अब वो भी चीज़ कर दिया गया कि अब दिखाई देना होगा, क्योंकि अब देखिए क्या होता है ना कि आदमी कितना वक्त तक टॉलरेट करेगा, करना भी नहीं चाहिए। एक वक्त ऐसा आप भी अपने लाइफ में लाओ कि जहाँ पे आप बस हाथ यूं कर दो कि अब बस बहुत हुआ, अब यहाँ से रिटेलिएशन शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। आप जितना ये चीज़ सोचोगे ना कि अरे क्यों खुद को ख़राब करना है, क्यों ऐसा करना है, थोड़ा सा सह लेते हैं, थोड़ा सा चुप रह जाते हैं तो काम बन जाएगा, आप उसमें देखना सामने वाला कुछ भी नहीं समझता है फिर आपको। उसे लगता है कि अरे अरे ये तो इन्हें तो अभी निचोड़ दूंगा मैं इस तरीके से। ठीक है, तो उस वक्त जो है सामने वाले को उनकी हैसियत बतानी पड़ती है, उनके औकात से उन्हें रूबरू कराना पड़ता है ना। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि जो अच्छे लोग हैं ना उनके पास इतना समय नहीं है कि वो दूसरों को कुछ भला बुरा कहें या फिर ये सब, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ये बेकार ही लोग होते हैं, तो इन्हें आईना दिखाना पड़ता है कभी कभी। ये आप दिखाइए, बिल्कुल शान से दिखाइए, दिखाना चाहिए। जैसे आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ वक्त पहले मेरे साथ ही ये किस्सा हुआ कि किसी दहेजखोर ने मुझे, वो लोग रिश्ते का ज्ञान दे रहे थे, मुझे खुद दहेज लेके बैठे हुए हैं, इस तरीके के नीच लोग से आप खुद बताओ क्या मैं ये टॉलरेट करूंगा, है कि नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाय द वे मैं आपको एक बात और बताऊं कि मैंने ये कहा कि इंडिया जो है वो जल्दी ही डोमिनियन स्टेटस से आज़ाद हो गया, मतलब उसने आज़ादी पहले ले ली और एज अ फ्री कंट्री वो सामने आया। लेकिन ये फटाफट नहीं हुआ, मतलब 47 में आज़ादी मिली तो ऐसा नहीं कि 47 में ही ये हो गया। आप सोचो ज़रा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, राइट। तो इससे पहले तक डोमिनियन स्टेटस कैसे खत्म हो सकता था, है ना। तो डोमिनियन स्टेटस खत्म हुआ 1950 को, ठीक है। वैसे पार्टीशन जो था वो तो 1947 में ही हो चुका था, ठीक है। अभी इन दोनों डोमिनियंस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है और मतलब गवर्नमेंटल सेटअप, ये धीरे धीरे तैयार हो रहा था। लेकिन पार्टीशन तो हो चुका था, तो दंगे फसाद तो हो ही गए थे, ठीक है। और उस टाइम पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन हिंदू रिफ्यूजीज जो थे वो आए थे ईस्ट पाकिस्तान से, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ से इतने लोग आए थे वेस्ट बंगाल में और भी बहुत सारे स्टेट्स में। एक और मैं आपको बात बताऊँ तो वेस्ट पाकिस्तान से भी जो सिख हैं और भी कई कम्युनिटीज़ थे जो आए, और फिर उन्होंने कुछ तो पंजाब में बसे, कुछ दिल्ली वगैरह में बसे, और इस तरीके से ये लोग बसे, ठीक है। एंड ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक एट 10:18 AM एंड जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स एट 10:24 AM डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज सोन इन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो अच्छा, हाँ एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ कि 24 जनवरी 1950 को
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जनगण मन को एज ए नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और ये एक्चुअली में बंगाली में लिखा गया, मतलब इसका जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है वो बंगाली में लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली में लिखा करते थे ज़्यादा। इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया हिंदी में, ठीक है। अब आप एक चीज़ ज़रा सा सोचो कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो था वो हुआ 1952 में, और इसी टाइम पे ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो इलेक्ट होके आए थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मैंने आपको कहा कि 47 में ही जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्राइम मिनिस्टर हो चुके थे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि बिना इलेक्शन के प्राइम मिनिस्टर पहले ही बन गए, और इसके बाद फिर फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो था वो 1952 में आया? थोड़ा अजीब है, नहीं? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखते रहिए टॉस और बने रहिए इसी तरीके से। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि इलेक्शन का सिंबल क्यों आया, इसका क्या कंसेप्ट है, ठीक है। और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज हम लोग जानेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग टॉस एंड बाय बाय।